तू दूर ना हो ना शंभु, मैं किसी और का हो ना पाऊंगा। तो सबसे पहले मिलेंगे यहाँ पर महादेव जी चौकी। महादेव जी यहाँ पर विराजमान है। फरदाबाद गांव की आवाज भाई, हमारे फरदाबाद शहर के अंदर भाई बहुत कम। श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। है फरीदाबाद आपका अपना शहर फरीदाबाद, खूबसूरत सा माता रानी का मंदिर। उन्होंने तो बताया कि 3200 यहाँ पर दिए चलाए जाएंगे। जय माता दी। कि मेरे पंडित के कुल देवता है, तो ये देख सकते हो अपना शाम के टाइम मंदिर का नजारा। हेलो गाइस, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज आपका हर्षम भाई आज आपको फिर से एक ऐसी नई लोकेशन में लेके आए हैं जहाँ पर आपको बहुत ही कम लोगों के इस मंदिर के बारे में पता है कि आपके अपने फरीदाबाद शहर में, क्योंकि तो ये आपके अनंतपुर गांव के अंदर ही, क्योंकि इसका जो रास्ता जो जाता है सूरजकुंड से होता हुआ आपका अनंतपुर, आपने जो गाँव फरीदाबाद में सुना ही होगा उसके अंदर ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा मंदिर है, जो कि अरावली की पहाड़ियों के बिल्कुल बीच में हुआ है। पीछे का आपको मैं कुछ वीडियो दिया हूँ, तो आपको कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। ये मंदिर का एंट्रेंस है, अभी आपको मैं मंदिर लेके भी चलता हूँ, क्योंकि इसकी 213 सीढ़ियाँ जा रही हैं। 213 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही मैं आपको हालांकि इसके दर्शन कराऊंगा। क्या कुछ कहानी है इसके ऊपर, सारी कुछ जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं बता रहा, इस मंदिर का जो नाम है वो है चक्रेश्वर हरि पर्वत माता का मंदिर, जो कि 1996 में इसको स्थापित यहाँ पर करा गया था फरीदाबाद के। ये जो मंदिर बताया जाता है कि कश्मीरी पंडितों ने उसको ये मंदिर को बनवाया था, इसके पीछे की क्या कहानी है मंदिर के ऊपर भी उपलब्ध कर सकता हूँ, उसके सारी कुछ आपको जानकारी। तो आइए मेरे साथ और आपको कराता हूँ माता के मंदिर के दर्शन। आइए गाइस, जैसा कि आपको मैं बताया कि ये सामने इसका मेन एंट्रेंस गेट है, हम यहीं से फिलहाल अभी आप ऊपर चलेंगे मंदिर के। और आप देख सकते हैं कि ये सामने सीढ़ियाँ जा रही हैं, और जो सीढ़ियाँ जो बताई जाती हैं कि 213 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद जो अरावली हिल्स के ऊपर, ये जो पहाड़ियों के ऊपर जो ये मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ पर माता जी का मंदिर है। और चलते हैं, अब आपको ऊपर मंदिर लेकर आपको दर्शन कराता हूँ। कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर अनंतपुर गांव के अंदर कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर आपको नज़ारा देखने को मिल जाएगा। ये देखिए चारों तरफ बिल्कुल गांव ही गांव है। अनंतपुर गांव फरीदाबाद के अंदर आप लोगों ने बिल्कुल जरूर सुना ही होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को इस मंदिर के बारे में पता है हमारे फरीदाबाद के अंदर। और आपको एक चीज़ और जगह मैं आपको लेकर चलता हूँ, कुछ जो इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊं, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर उसके बारे में, मंदिर के बारे में लिखी है कि कब ये यहाँ पर स्थापित करा गया था। और जब आपको मैं बता दूं कि ये जो मंदिर है आपका, कश्मीरी पंडितों ने ये मंदिर 1996 के अंदर यहाँ पर स्थापित करा था। तो अभी अभी चलते हैं मंदिर और आपको कराते हैं दर्शन। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, मंदिर के चल रहे हैं मंदिर, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर गणपति यहाँ पर विराजमान है हमारे, ओम गण गणपति ही नमः। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गणपति जी और यहाँ पर देखें महादेव जी सामने आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मंदिर में सबसे पहले गणपति जी और महादेव जी का आशीर्वाद लेके हम यहाँ पर मंदिर की ओर चलेंगे। कितना प्यारा खूबसूरत मंदिर बना है, बहुत पुराना है ये मंदिर, मतलब आपको बता दिया जाए कि 1996 में ये मंदिर स्थापित करा गया था। और यहाँ की जो मतलब मेन जो मुझे जो सबसे अच्छा लग रहा है ना, वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये मंदिर बिल्कुल पहाड़ियों पे बना हुआ है, अरावली की पहाड़ियों पे बिल्कुल बीचों बीच में। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत आपको यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह का ना। तो ये जो कभी आप यहाँ पर आओ ना, तो आपको एक अलग ही वाइब्स आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर ये देखो जो 213 जो यहाँ पर जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो एक एक करके अभी हम चलते हैं मंदिर के और देखते हैं हमें यहाँ पर और कुछ क्या कुछ नई नई चीज़ों को हमें यहाँ पर एक्सप्लोर करने को यहाँ पर मिल जाएगा। मंदिर के अंदर चलेंगे, दर्शन भी कराएंगे आपको, कुछ इस तरह का आपको नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए सो तो फिलहाल यहाँ का जो कितना प्यारा कितना खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पर इतनी जगह थोड़ी सी हाइट्स पर आ गए ना, और मतलब आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा अनंतपुर गांव आपको यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये देखो कुछ सीढ़ियाँ हम ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पर ये देख सकते हो आपको प्रॉपर अनंतपुर गांव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और अभी कुछ काम चल रहा है, जैसे कि आपको बताया कि कल राम मंदिर का स्थापना होने जा रही है, कल 22 जनवरी है, तो उस हिसाब से अभी यहाँ पर मंदिर में कुछ काम भी चल रहा है, लाइटिंग वाइटिंग भी करी जा रही है कि कल यहाँ से जो मंदिर में जो कुछ भंडारा वगैरह भी ऐसा सुनने में आ गया कैसे होया जाएगा, तो यहाँ पर उसके लिए भी तैयारी चल रही है बड़ी जोरों शोरों से। कुछ मंदिर के सीढ़ियों चढ़ने के बाद ना भाई, ये देखो नज़ारा, मतलब
बहुत प्यारा व्यू, बहुत ही अट्रैक्टिव, वो भी आपके अपने फरीदाबाद के अंदर अनपुर गांव में कुछ ऐसा आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये जो मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं 213 सीढ़ियाँ, जैसा भी आपको मैंने बताया था, कुछ सीढ़ियाँ अभी और रह गई हैं, लेकिन जो यहाँ की जो वाइब्स है ना, जब हम चलते हैं ना, ये देखो ये जो व्यू जो देखने को होता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि कल यहाँ पर जो प्रोग्राम है श्री राम मंदिर को लेकर, आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में फिर से आपको पता है कि 22 जनवरी में एक कहते हैं ना कि हर साल में एक बार दिवाली आती है, तो अब मुझे लगता है कि पूरे भारत में ना हर साल में दो बार दिवाली आपको देखने को जरूर मिलेगी। क्योंकि तो है सबसे बड़ा आपको पता है कि राम मंदिर 22 जनवरी, और यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि 3200 दिए जलाए जाएंगे यहाँ पर। जैसे कि सभी भाइयों ने यहाँ पर बताया कि जो गाँव के यहाँ पर हैं, तो उन्होंने बताया कि 3200 यहाँ पर दिए जलाए जाएंगे। तो भाई बड़ी खुशी हो रही है, और चलते हैं। और सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा ना, यहाँ पर आप जब भी आप कभी आओ यहाँ पर, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मंदिर वगैरह आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। यहाँ पर मंदिर वगैरह बहुत है यार, सच में हमें तो चारों तरफ आपको देखने को मिल गया मित्री मंदिर आपको, बस इस चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखिएगा जरूर। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि मंदिर के मैं बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया हूँ, ये देख सकते हो आप अपने 213 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, ये देखो आप यहाँ पर ना, हाँ बहुत ही। और जैसे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको काफ़ी आपको मंदिर वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा सा इस बात का थोड़ा सा खास ख्याल रखिएगा। और ये देखिए मंदिर, बस 213 सीढ़ियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी हैं, ये देखिए यहाँ पर ना भाई क्या बात है। मंदिर का थोड़ा सा खास ख्याल रखिएगा बस, यहाँ पर कभी भी आप यहाँ पर आएँ, काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ये देख सकते हैं आप ना यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे को दिखे यहाँ पर ये। और बहुत ही यार, मतलब मैं क्या बताऊँ, अनएक्सप्लोर्ड है यार यहाँ पर, जो पहली बार मुझे ये सब चीज़ें जो देखने को मिली है ना यहाँ पर, सच में आप मज़ा ही आ गया यार, एक अलग ही वाइब्स आ रही है, एक अलग ही फील आ रहा है ना, कहना मतलब ये है। ये देखिए ऊपर, सबसे ऊपर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो गाइस फाइनली मंदिर में हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं सामने माता रानी का यहाँ पर आपको मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, वो देखने तक प्यारा खूबसूरत सा झंडा यहाँ पर जय श्री राम जी का। और यहाँ पर ठीक सामने आपको सबसे पहले मिलेंगे यहाँ पर महादेव जी, जो कि साक्षात यहाँ पर विराजमान है, और ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा यहाँ पर झंडा लगा हुआ है उनको, जय श्री राम आप सभी को। और आप सभी को यहाँ पर कैसा लग रहा है दर्शन करके, भाई कमेंट बॉक्स पर टाइप करके मेरे को ज़रूर बताना। आप सबसे पहले आपको महादेव जी के यहाँ पर आपको मैं दर्शन करा के दे देता हूँ, ये देखिएगा, और ये सामने सबसे पहले आप यहाँ पर महादेव जी के यहाँ पर आप दर्शन करिए, जो कि बिल्कुल साक्षात आपको यहाँ पर मैं दर्शन कराता हूँ, ये देखिएगा, हर हर महादेव आप सभी को। कि हसीन वादियों में आप यहाँ पर पर्वत पे महादेव जी को देखते हैं। तो गाइस मंदिर में आके माता रानी के जो हमने आशीर्वाद लिया ना, मतलब बहुत ही ज्यादा हमें अच्छा लगा। और आपको यहाँ पर जो माता रानी की जो आपने देखा है और दर्शन करेगा, तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर टाइप करके जरूर बताएगा। और सामने जो मैं आपको ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो शायद कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि कश्मीर की पंडितों ने ये मंदिर बनवाया था, और ये जो आप देख रहे हो जो चट्टान आप देख रहे हो ना, मतलब ये जो चीज़ें हैं, मैंने पता लगा है यहाँ पर यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो निवासी हैं जो कि यहाँ पर गाँव में रहते हैं, वो इन्होंने बताया कि कश्मीरी पंडित के कुल देवता हैं, तो जिनकी यहाँ पर पाठ पूजा करी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने महादेव जी हैं, और ये जो आप जितना भी देख रहे हैं पत्थर का यहाँ पर, ये सारे उनके कुल देवता हैं यहाँ पर कश्मीरी पंडित जी, वो कश्मीर यहाँ पर आए थे, कश्मीर से जब इंडिया यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपना ये मंदिर बनवाया था, कहने का मतलब ये है। तो अभी यहाँ की जो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, इनके पंडित यहाँ के जो पंडित हैं जो कि मंदिर की बिल्कुल जो देखभाल करते हैं ना, उनसे भी पूरी जानकारी लूँगा। अभी माता रानी का दरबार अभी खुला हुआ, आपको मैंने दर्शन तो कराए थे, अभी आपको मैं फिर से एक बार दोबारा फिर से आपको यहाँ पर दर्शन करा देता हूँ, तो आप माता रानी के यहाँ पर अपना देख सकते हैं, अपना दर्शन कर सकते हैं। गाइस इतना प्यारा खूबसूरत मंदिर, वो भी हमारे अपने खुद के फरीदाबाद शहर में अनंतपुर गांव के अंदर, और जहां पर बताया जाता है कि मतलब साक्षात यहां पर जो माता रानी का जो निवास है, वो भी मतलब पहाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच में, जैसा भी आपको मैंने दिखाया था, और इतने पास से आपको, इतने नज़दीक से मैंने आपको दर्शन भी कराया, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, यहाँ पर इतना मन को शांति मिलती है ना, आप देख सकते हो, मतलब बिल्कुल शांत वातावरण है, मतलब
मतलब कहते हैं ना कि शहरों के बिल्कुल बीचों बीच में आके, मतलब वो किसी तरह की कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आप अपने यहाँ पर बिल्कुल ध्यान लगाना चाहते हो, बिल्कुल मन लगाना चाहते हो, तो बिल्कुल आपका आराम से यहाँ पर आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा जितना टाइम आपने यहाँ पर इस मंदिर में देना, आपको सच में ना रियली में आपको बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं क्या ही बताऊँ इसमें आपको मंदिर के बारे में ना, मतलब मैं खुद यहाँ पर पहली बार आया हूँ और जब मुझे पता लगा कि मंदिर फरीदाबाद में है, तो भाई हमें कुछ ना कुछ फरीदाबाद के लिए, मतलब कुछ लोगों को पता है भी नहीं पता, अगर आप लोगों को ये मंदिर के बारे में पता आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बता देना। तो भाई सच में ना यार, मतलब मज़ा ही आ गया। अभी आपको मैं थोड़ा सा और कुछ दिखाता हूँ यहाँ पर, यहाँ के मंदिर के जो पंडित जो यहाँ के जो देखभाल करते हैं उनके पंडित जी से मिलाता हूँ, और यहाँ की जो विशेषता है यहाँ पर, क्या कुछ यहाँ पर है, कुछ खास चीज़ें मैं आपको वो भी रूबरू बहुत अच्छे से कराता हूँ। और ये जो आपको मैंने अभी बताया था, ये कश्मीरी पंडितों ने जो ये मंदिर बनवाया था ना गाइस, ये उनके कुल देवता, और ऐसा बताया जाता है कि ये जो मंदिर है ना, कश्मीरी पंडित जब यहाँ पर आए थे, वो लोग फरीदाबाद में जब रहा करते थे, तो वो जब कश्मीर वगैरह से आए थे, तो वो मंदिर भी मतलब उन्होंने कश्मीर में बनवाया था। बट और कहते हैं कि उसके बाद जब उन्होंने कश्मीर में ये मंदिर बनवाया, उसके बाद जब वो फरीदाबाद में यहाँ पर आके रहने लगे, तो फरीदाबाद में उन्होंने ये दूसरा मंदिर बनवाया था। अगर यही सेम आपको अगर ये मंदिर जो देखने को मिलेगा, तो वो आपको कश्मीर वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। और आप ये देख सकते हैं मंदिर में भोलेनाथ जी, महादेव जी यहाँ पर विराजमान हैं, और सामने उनके बिल्कुल ठीक सामने आप देख सकते हो नंदी जी महाराज, और बिल्कुल ये देखिए पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच, और यहाँ पर देख सकते हैं आप जय श्री राम का जो झंडा लगा हुआ है, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, तो मंदिर की और मतलब चार चांद लगा दिया इसने भाई, मैं सच बता रहा हूँ। और ये देखो यहाँ का व्यू, ये देखो यहाँ का आप नज़ारा, वो सामने आप देख सकते हो सनसेट इतना प्यारा खूबसूरत, शाम के ऑलमोस्ट 5:30 बज चुके हैं, और ये है पहाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच में खूबसूरत सा माता रानी का मंदिर। आने का रास्ता वो भी है वहाँ से, और अभी हम मैं आपको बता दूँ उस साइड से आए थे, ये वाला जो मेन गेट है, इस वाले मेन गेट से हम यहाँ पर आए थे, सामने ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। बैठने के लिए यहाँ पर अपना आराम से सीढ़ियाँ वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब चेयर वगैरह भी यहाँ पर लगा रखे हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर पंडित जी भी अभी थोड़ी बहुत देर में आने वाला, और यहाँ पर ये हवन कुंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बना रखा है। तो भाई एक अलग ही वाइब्स यहाँ पर आ रही है गाइस, और डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ ये वीडियो ना भाई वायरल कर दो, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और फरीदाबाद लोगों तो भाई पता होना चाहिए, और इस मंदिर में ज़रूर आओ। सभी के लिए आप देख सकते हो मैं बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल करीब आ चुका हूँ, और माता का मंदिर का जो दरबार है वो खुल चुका है, शाम का टाइम हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर माता रानी के यहाँ पर चरण स्पर्श करके हम आपको अंदर लेके चलता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो मंदिर खुलने का जो समय है वो खुल चुका है, और आपको मैं थोड़ा सा और करीब लेके चलता हूँ, और यहाँ पर माता रानी के आपको मैं दर्शन करा दूँ। ये देखिएगा बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया है पहाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच में, ये मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। जय माता दी। जय माता दी। आप सभी यहाँ पर माता रानी के आशीर्वाद ले सकते हैं, साथ में देख सकते हैं बजरंग बली जी यहाँ पर जय श्री राम यहाँ पर विराजमान है आप सभी के लिए, साथ में आप देख सकते हैं वहाँ पर गणपति जी बहुत ही खूबसूरत विराजमान है। ये अंदर जा सकते हैं पास, तो अभी ये लिख चाहिए जय माता दी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। तो भाई मंदिर वगैरह के दर्शन वगैरह तो हो गए, माता रानी के, महादेव जी के यहाँ पर बहुत प्यारे दर्शन हुए, कुल देवता के यहाँ पर दर्शन वगैरह हो गए, जिन्होंने ये मंदिर का निर्माण करा था, जो कि 1996 उन्होंने ये मंदिर बनाया था। भाई सच में यार ज़रूर आओ यार आप लोग यहाँ पर एक बार ना, अनंतपुर गांव के अंदर ये जो प्यारा सा खूबसूरत मंदिर है। अभी मंदिर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मंदिर आपको मैं अभी इसके बैक साइड का भी जो एरिया है वहाँ भी आपको लेके चल रहा हूँ। ये देखो ये इसके कुछ बैक साइड का कुछ एरिया आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये देखो, और अभी आपको मैं लेके चलता हूँ मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में, और वहाँ पर आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, ये देखो अभी मंदिर का ये नीचे जाने का रास्ता है, लेके चलता हूँ। ये देख सकते हो आप मंदिर के बैक साइड का जो नज़ारा है ना भाई, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा, बहुत खुश
खूबसूरत, मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं है मतलब मेरे को बस बोलने के। आप देख सकते हो यहाँ पर कितना प्यारा, यहाँ पर खुला खुला, यहाँ पर आपको जो ग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल पहाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच में, ठंडी ठंडी हवा, यहाँ पर हवाएं चलती हुई। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर ना, ये मंदिर के यहाँ पर जो बैक साइड का जो एरिया है ये कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सामने वो देख सकते हैं छोटी सी प्यारी सी गुफा वगैरह यहाँ पर बना रखी है। अभी आपको थोड़ा सा वहाँ पर आपको मैं नज़दीक से लेके चलता हूँ, लेकिन आप भी आप यहाँ का ना नज़ारा देखो, आप यहाँ का ना ये देख सकते हो, ये है फरीदाबाद, आपका अपना शहर फरीदाबाद। मंदिर के बैक साइड में आपको कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर प्यारा सा खूबसूरत से यहाँ पर आपको व्यू देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भोलेनाथ जी विराजमान है। सामने यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो उनको दिखाया होगी जो भिक्षा मांगती हुई यहाँ पर भोलेनाथ जी के सामने, कुछ ऐसे ही यहाँ पर दृश्य दिखाया हुआ है। और ये जो दृश्य है ये देखो सकते हो आप यहाँ पर ना, फरीदाबाद के जो पहाड़ियों के बिल्कुल चारों तरफ बीचों बीच में ये प्यारा सा खूबसूरत सा आपको नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये मंदिर था आपका अनंतपुर गांव के अंदर, ये देखिए आप यहाँ पर अभी हम वहाँ पर थे और ठीक उसके बैक साइड में भी हम आए हैं आपको दर्शन कराने के लिए। शाम का टाइम हो चुका है, आप देख सकते हो मंदिर के यहाँ पर लाइटिंग वगैरह देख रहे हो कितना ज़बरदस्त यार मंदिर, और भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखो सामना, मतलब हम लोग जा ही रहे थे और भाई यहाँ पर के जो निवासी यहाँ पर जो लोग रहते हैं यहाँ पर उन्होंने रोक लिया कि भैया आरती वारती का टाइम हो गया है तो अभी आप मत जाओ, तो अभी आप आरती वगैरह करके जाना। और भाई देख रहे हो आप यहाँ पर पहले मंदिर का नज़ारा देखो अपना, ये देख सकते हो मुझे सीढ़ियों से हम 213 की सीढ़ियों से चढ़के आए थे ना, लाइटिंग वाइटिंग देखो कितनी खूबसूरत लग रही है पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच में ये मंदिर। ये देखो ये आपका अनंतपुर गाँव और ये आपका फरीदाबाद शहर, बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। ये देखो भाई फरीदाबाद, ये अपना फरीदाबाद है, देख रहे हो आप, शेयर कर लो यार, अब तो इतना बनता तो है, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोगों को। और यहाँ पर भाई माता रानी का आशीर्वाद लेने ज़रूर आओ भाई। दोस्तों शाम के बज के 6:30 और इस टाइम जो मंदिर का ना आरती वगैरह का जो टाइम हो गया, एक्चुअली हम क्या था निकल गए थे, ब्लॉग वगैरह हमारा सब कुछ ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका था, बट यहाँ के जो पंडित जी हैं और यहाँ के जो कुछ जो निवासी जो लोग हैं यहाँ पर ना, उन्होंने बोला कि अगर आप यहाँ तक आए ना तो प्लीज़ यहाँ पर एक बार आरती होते हुए एक बार जरूर जाओ, एक बार आरती वगैरह लेते हुए जरूर आओ। तो भाई शाम के टाइम जो मंदिर का जो नज़ारा है ना, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो पहले तो बैक साइड देख सकते हो, ये आपका अपना शहर फरीदाबाद अनंतपुर गाँव, ठीक है। ये शाम का टाइम है, ऑलमोस्ट 6:30 बज चुके हैं और अभी आपको मैं ये दिखा दूँ, मंदिर शाम हो चुके हैं और ये मंदिर का आपको नज़ारा कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। और ये लोग आप ये देखो आप भाई ये देख रहे हो, ये है पूरा फरीदाबाद पूरा अनंतपुर गांव का नज़ारा शाम के टाइम का। तो कर दो ना भाई, जय श्री राम, श्री राम, जय माता दी, जय माता दी। तो ये देख सकते हो अपना शाम के टाइम मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरह का, यहाँ पर जो कल 22 जनवरी को लेकर ना मतलब श्री राम जी के आने की खुशी में जो ये देख रहे हो आप मंदिर का नज़ारा भाई, पेड़ों पर इतनी प्यारी प्यारी क्या खूबसूरत सी लाइटिंग वगैरह हो रही है भाई, बहुत अल्टीमेट लग रहा है यार सच में। तो भाई मंदिर की आरती वारती होने के बाद ना, और यहाँ पर देख सकते हो कि कल जो 22 जनवरी कल जो बहुत बड़ा जो दिन है ना यहाँ पर, तो उसकी यहाँ पर बड़ी जोरों शोरों से यहाँ पर बहुत ज़्यादा तैयारी वगैरह देखो यहाँ पर चल रही है कि भाई देख रहे हो कितना सारे वहाँ तो फूल वगैरह यहाँ पर सभी भाई यहाँ पर लगे हैं कल 22 जनवरी की मतलब तैयारी को लेकर। तो भाई आप सभी पहले भाइयों को सबसे बड़ी बात, तो भैया जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई ये देखो ये अनंतपुर की आवाज़ है भाई, अनंतपुर गांव की आवाज़ है भाई हमारे फरीदाबाद शहर के अंदर भाई, बहुत कम लोगों को ऐसा पता था कि यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है। और ये देखो कल की तैयारियाँ और बड़ी जोरों शोरों से भाई यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो भैया जो कल राम मंदिर जो होने वाला है कल, जो मतलब जो भी प्रोग्राम जो कल होगा, जो कल एक दिवाली है पूरे भारतवर्ष के अंदर, आप लोगों का क्या कहना उसके बारे में बताओ जरा। बड़े जोरों शोरों से तो भैया कहाँ से क्या तैयारी चल रही है इस मंदिर के लिए, अनंतपुर गाँव के मंदिर के लिए भैया कोई बताओगे एक बार जरा। मंदिर को सजाएंगे अच्छी तरह से और अपना भंडारे का प्रसाद का प्रोग्राम है, ढोल नगाड़े के साथ क्या बात है निकालेंगे श्री राम जी की, बहुत बढ़िया। और भैया कितने दीपक वगैरह जलेंगे यहाँ पर? 3100 दिए, 3100 दिए, क्या बात है।
इसका ही शॉर्ट चलेंगे जी। अच्छा, पूरी रात प्रोग्राम होगा जी। तो मतलब पूरा का पूरा अनंतपुर गांव और ये मंदिर मतलब दुल्हन दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा। नई दिवाली मिलेगी सर, नई दिवाली। हाँ, डीजे के साथ सुबह यात्रा निकलेगी वहाँ से। भंडारा 3,500 लोगों का भंडारा है। क्या बात है। हाँ जी, सहयोग के साथ है। हाँ, पूर्व में ये संगठन बना हुआ है, उसके थ्रू लोगों ने दान किया हुआ है। हाँ जी, वापस वो तो बिल्कुल भैया मैं देख रहा हूँ कि मतलब बड़ी जोर शोर से यहाँ पर देखो सर, इतने सारे फूल्स वगैरह वगैरह है ना, मतलब और 3100 दिए आपने जो बताया भैया पूरे मंदिर को, मतलब क्या बात है भाई। तो ये तो भैया प्यार ही है बस आप सभी भाइयों का, मतलब बिल्कुल। तो भाई ये देखो तो जितने भी भाई हो ना, मतलब ये देखो सारी सारी मंदिर की आपको मैं तैयार बताता हूँ। और भाई ये देखो यार, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ये देखो यहाँ पर जो मंदिर की तैयारी को लेकर यहाँ पर जो अनाज वगैरह मतलब प्रॉपर तरीके से मतलब जो भंडारा भंडारा को जो को लेकर जो भाई जो चलने वाला ना प्रोग्राम यहाँ पर ये होने वाला है, ये देख सकते हो आप यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये सभी भाई यहाँ पर जो अनंतपुर गाँव से ना भाई जितने भी देख रहे हो बड़े जोरों शोरों से लगे पड़े हैं यहाँ पर सारे सारे ना यार। भैया वो तो अभी मैंने देख लिया कि जिस तरह से सजा रहे हो, और जब आप जो बता रहे हो ना भैया कल तो और ज़्यादा बड़ा ज़बरदस्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप तो बहुत ज़्यादा। हाँ भाई क्या बात है यार, और ये हमारे भैया बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि भाई हमारे। हाँ जी, इस देवता होते हैं सब है। हाँ, शनि बाबा भी है, भोले बाबा भी है, बजरंग बली भी है, माता रानी भी है, गणेश जी भी है, सारे हमारे सारे इस देवता सारे भगवान भगवान सर्वसंपन्न है, राधा कृष्ण भी है, सबके मंदिर में अपना पे हिंदुस्तान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, बिल्कुल है, ये तो है। दूसरा भैया, हम हर मंगलवार को अपना शाम को हनुमान चालीसा का पाठ का प्रोग्राम भी करते हैं, तकरीबन 1.5-2 साल से हमारे चलता आ रहा कंटिन्यू, हर मंगलवार को होता है। अच्छा, काफी अच्छे तरीके से उसकी तैयारी होती है, पूरा बाबा बढ़िया तरीके से। तो भैया मैं तो जरूर चाहूंगा कि मतलब जितने भी हमारे व्यूअर्स है ना भाई, जितने भी हमारे वीडियो वगैरह देख रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अनंतपुर गाँव के अंदर भाई एक बार जरूर यहाँ पर, और भाई मंदिर में माता रानी के दर्शन जरूर करें, महादेव जी के दर्शन करें, और जोरों शोरों से जैसे भाई साहब सारे यहाँ पर लगे पड़े ना मंदिर को लेके शुभ काम जो अगले दिन होने वाला 22 जनवरी को लेके ना, तो भाई मजा ही आने वाला। तो एक बार जरा सभी भाई के साथ एक बार जय श्री राम हो जाए, जय श्री राम। सो गाइस कैसा लगा आपको यार दर्शन करके, मेरे को ना कमेंट बॉक्स पे टाइप जरूर करके बताना यार एक बार, बिना कमेंट करे तो जाना मत। अगर आप लोगों ने बहुत प्यारे खूबसूरत से अगर आपने यहाँ पर महादेव जी के साक्षात और माता रानी के यहाँ पर आपने दर्शन कराया ना भाई, कमेंट बॉक्स पे टाइप जरूर 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 जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, तो जरूर लिखना यार गाइस, जरूर 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 लिखना। और चैनल पर मेरे पहली बार आया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका हंसवा आप लोगों के ऐसे इंटरेस्टिंग से आप लोगों के लिए रहता है, ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे आपको दर्शन जरूर कराता है पूरे ऑल ओवर फरीदाबाद दिल्ली NCR इंडिया में, पूरी कोशिश ऐसे रहेगी। और आप को बताइए कि अगला आप वीडियो कौन सा कहाँ अपने देश में देखने जाओगे, तो पूरी कोशिश जरूर है कि आपका आश्रम वहाँ पर पहुँचेगा जरूर। और चैनल को वाइस भाई सब्सक्राइब करो ना, और इस वीडियो को ना मैं कह रहा हूँ फरीदाबाद वासियों दिल्ली NCR कहीं मत छोड़ो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और इसके बारे में लोगों को भाई पता ज़रूर होना चाहिए, मैं तो ज़रूर कह रहा हूँ। तो मिलता हूँ आपको किसी ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा हर हर महादेव, जय श्री राम।